हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा क्या बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, टमाटर ले लिए हैं, दो तीन काट के रख लिए हैं। इसके बाद एक गांठ लहसुन लिए हैं, दो तीन प्याज लिए हैं, चार पाँच हरी मिर्च लिए हैं। छोले को हम रात भर भिगा दिए थे, या तो 5-6 घंटा भिगा लीजिए, फूल गया है। इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे बिना मसाला भुने हुए। तो पानी से धुल के छोले को कुकर में डाल दिए हैं। साथ ही में इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन सारा एक ही साथ इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद इसमें टमाटर भी डाल दिए। चलिए मसाला देख लेते हैं। तेज़पत्ता भी डाल दे रहे हैं। मसाले में एक बड़ा चम्मच धनिया है, आधा चम्मच हल्दी, एक तिहाई चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा है, सा जीरा है, काली मिर्च है, जावित्री है, जायफल है, लौंग है, बड़ी और छोटी इलायची है, दो तीन छोटी इलायची है, दो बड़ी इलायची है। अब इन सब मसालों को कुकर में डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। अब इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें तेल अभी बिल्कुल नहीं डाले हैं। इसको ऐसे ही बंद करके सीटी लगा देंगे तो 3-4 सीटी में अच्छी तरीके से पक जाएगा। इधर मैदे का हम डो लगा ले रहे हैं। इसमें 2 चम्मच सूजी भी डाल दिए हैं। अब दही डाल रहे हैं 1 कप, 1/2 किलो मैदा है। एक चम्मच हम इसमें चीनी डाल दे रहे हैं पीसी हुई, और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, तो 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाले हैं, उसका 1/2 सोडा डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसको पटक पटक के 2-4 मिनट आटा लगाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा लोच आ जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे 1 चम्मच, और इसको ढक के रख देंगे ताकि इस पर पपड़ी ना जमने पाए। तो इसको 1 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। इसके बाद हम छोले को देख लेते हैं। तो देखिए, तड़के के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, और रतन ज्योत है कलर के लिए। साथ ही में हींग डाले हैं, हींग से स्वाद भी आएगा और पाचन भी सही रहेगा। तो अब इसमें हम तेल में तड़का लगाएंगे। देखिए गैस पे रख दिए हैं, अब तेल धुआं निकलने लगे तब तक गर्म करना है। अब इसमें जीरा डाल दिए, इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, रतन ज्योत और हींग जो दिखाए हैं वो डाल दिए। तो देखिए जल गया है। अब इस तड़के को हम छोले में डाल दिए और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। आप चाहे तो उबालते समय 1 पिंच सोडा डाल सकते हैं। तो देखिए छोले बनके तैयार है। हाथ से दबा के दिखा देते हैं, इसमें सोडा भी नहीं डाले हैं, फिर भी अच्छी तरीके से पक गया है। तो आटा आप देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा तेल डाल के आटे को अच्छी तरीके से मार लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा अच्छी तरीके से लग गया है। अब कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। अब इसको हम बेल लेंगे। तो देखिए थोड़ा मोटा ही रहेगा। तो देखिए किस तरीके से फूल जा रहा है। इसी तरीके से हम बना लेंगे सारा।
दूसरा भटूरा भी डाल के दिखा दे रहे हैं। तो देखिए ये भी कैसे फूल गया है। इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसको एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। तो चलिए अब इसकी जाली देख लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी जाली आई है। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।